वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 508 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट हैं किसका, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। और उसके बाद ये कि वेरिएबल्स इन स्नोबॉल मे नॉट बी लॉन्गर देन, यानी कि वो लॉन्गर नहीं होंगे, कितने करेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होंगे। सो इसका आंसर है 120 करेक्टर्स। सो 120 इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है स्नोबॉल के बारे में, वो है कि पुअर रीडेबिलिटी एंड राइटेबिलिटी। रीडेबिलिटी भी पुअर होना और जो राइटेबिलिटी है। उसके बाद ये कि द फर्स्ट लेवल एलिमेंट्स इन लिस्प आर कॉल्ड डैश लेवल एलिमेंट। जो फर्स्ट लेवल एलिमेंट होते हैं लिस्प के अंदर वो कहलाए जाते हैं कौन से लेवल के एलिमेंट, टॉप लेवल एलिमेंट। सो टॉप इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि टू राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन लिस्प। लिस्प के अंदर अगर हम राइट करते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं क्या, डी फन। और उसके बाद ये है कि फंक्शन जो है लिस्प के अंदर इज इन डैश नोटेशन। वो कौन सी नोटेशन में है, वो है प्रीफिक्स। उसके बाद ये कि डैश डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड इनहेरिटेंस हायरार्की। इनमें से कौन सी लैंग्वेज के अंदर एक प्री डिफाइंड इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं है, वो है एडा, ADA इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि द पोर्टेबिलिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद। पोर्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ। स्टैंडर्डाइजेशन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये डैश ऑपरेशंस मस्ट हैव वन ऑफ इट्स पैरामीटर ऑफ द टेक टाइप। इनमें से कौन सा जो ऑपरेशन है उसके अंदर लाजमी जो है उसका एक पैरामीटर जो है वो टेक टाइप का है, वो है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव इज द आंसर हियर। उसके बाद ये आइडेंटिफाई द फीचर। आइडेंटिफाई करें फीचर विच वॉज नॉट अवेलेबल इन फोरट्रेन 4, जो कि अवेलेबल नहीं था फोरट्रेन 4 के अंदर। सो वो है सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, सपोर्ट जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद ये डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉन एज राइट ओनली लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट ओनली लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है, APL। APL इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये दी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज। अर्लीस्ट फॉर्म जो कंप्यूटर लैंग्वेज की वो क्या थी, वॉज डैश मोशन, वो थी फिजिकल मोशन। सो फिजिकल इज द आंसर। उसके बाद ये डैश इज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी जो है वो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, वो है फोरट्रेन 410। उसके बाद एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वास, वो क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। और उसके बाद ये लर्निंग कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बेसिक कंपोनेंट, डायरेक्टली होता है। और उसके बाद ये कि डैश वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो थी सिम्यूला। और उसके बाद ये कि एवरीथिंग फॉर एवरीबडी, एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ हर किसी के लिए होना, वॉज द मोटिव ऑफ द लैंग्वेज। इनमें से किसका था वो, PL/1। और उसके बाद फिर है, अच्छा ये ख़त्म हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।